सुबह सुबह ना हर बंदा जल्दी में होता है भाई, हर बंदा ट्रिप पर, और बहुत ही एक्साइटमेंट होती है यार। पता है क्या है, जब से मैं कई बार बोल चुका हूँ व्लॉग में ना, बट जेन्युइनली इट इज ट्रुथ, और भाई इंस्टाग्राम पे ना रील वायरल हो रही है अब 15-16। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। भाई नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, फिलहाल चल रहे अपने ऑफिस की तरफ, और काफी इंपॉर्टेंट डे है भाई। एक तो जो ब्रेकडाउन हुआ पड़ा था, सबसे पहले तो उसको ठीक करवाना है, वो चल जाए यार, चीजें स्ट्रीमलाइन हो, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर था और उसमें ये सब ब्रेकडाउन वगैरह ना बहुत दिक्कत कर देते हैं भाई, लिटरली बहुत ज्यादा दिक्कत कर देते हैं। और कल भाई है 15 अगस्त, तो कल तो भाई ऑफ है, कल तो छुट्टी है। कल कुछ प्लान भी कर रहे थे यार जाने का, अभी देखते हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, बट देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, जो भी है आपको अपडेट करेंगे इसी व्लॉग में। टेम्परेचर देख रहे हो भाई, सुबह सुबह 33, मतलब बारिश रुकते ही ऐसे गोली की तरह शूट होता है ना भाई टेम्परेचर, क्या ही बोलूं यार, बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ना 10 महीने तो गर्मी हुआ करेगी अपने देश में, इतनी जल्दी गर्मी होती है यार, इतनी जल्दी, पूछो ही मत भाई। सुबह सुबह ना हर बंदा जल्दी में होता है भाई, हर बंदा जल्दी में, हॉकिंग वगैरह इतनी होती है ना सुबह, क्या बताऊं। सो जी फिलहाल अभी ऑफिस से फ्री हो गए हैं और अब निकलते हैं, और निकलकर फिर कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। सो जी फाइनली निकल चुके हैं अपने ऑफिस से, और कल भाई अपने को निकलना है ट्रिप पर, और बहुत ही एक्साइटमेंट होती है यार। पता है क्या है, जब से मैं कई बार बोल चुका हूँ व्लॉग में ना, बट जेन्युइनली इट इज ट्रुथ, और जब से व्लॉगिंग स्टार्ट करी ना, मतलब वीकेंड आते आते ऐसा हो जाता है कि भाई जल्दी से वीकेंड आए और अपनी ट्रिप पर निकले, बहुत मजा आता है भाई सही में। मतलब ये वाला जो फन है ना, ये वाला जो एक्साइटमेंट है ना, नेक्स्ट लेवल है भाई, इनक्रेडिबल भाई, अलग ही है भाई। मतलब जब आप फ्री हो रहे होते हैं ना अपने वर्क लाइफ से, और आपको होता है कि ट्रिप पे निकलना है भाई, अलग ही मजा आ जाता है। भाई इंस्टाग्राम पे ना रील वायरल हो रही है अब 15, 16, 17, 18, 19 पूरा, मतलब एक तरीके से 4-5 दिन की छुट्टी है, 19 की राखी हो गई, 15 अगस्त वैसे छुट्टी है, बीच में संडे आ गया, सैटरडे आ गया, एक 16 तारीख का फ्राइडे है, उसको लोग छुट्टी ले लेंगे, लीव ले लेंगे, सिक लीव ले लेंगे, और फिर भाई मंडे तक लीव चलेगी और ट्यूजडे से वापस सारी चीज़ें ओपन होंगी। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। सो हाँ जी, हाँ जी भाई, वापस पहुंच चुके हैं घर, और आफ्टर अ लॉट ऑफ यू नो केओस आइडियाज़, काफ़ी सारा मतलब कन्फ्यूजन चल रहा था कि भाई कल जाएं ना जाएं, क्यों ना जाएं, क्योंकि यार देखो अभी ना 15 अगस्त है, और 15 अगस्त को ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा यू नो ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, तो था शायद कि यार काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और वृंदावन ना, स्पेशली वृंदावन, वहाँ पर भाई इतना ज़्यादा रश होता है ना, इतना ज़्यादा रश होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी यही सोच रहे थे कि भाई कल जाएं या थोड़ा और रुक कर जाएं, क्योंकि ऑलरेडी ना देखो 26 तारीख की जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी को अपने को कवर करना था वृंदावन, तो भाई अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था, लिटरली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था कि क्या करें। फाइनली वी हैव टेकन द डिसीजन, तो कल हम जा रहे हैं, और जब ये व्लॉग लाइव होगा, इनफैक्ट जब आप ये व्लॉग देख रहे होगे, तो आपका भाई होगा श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में। तो एक बार बोल दीजिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो भाई कल चलेंगे, प्लान ये है कि पूरा ब्रिज एक्सप्लोर करेंगे, लास्ट टाइम भी किया था, बट लास्ट टाइम जो हमने ब्रिज यात्रा करी थी उसमें वृंदावन रह गया था, इस बार थोड़ा और ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं, और ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग जाने से कोशिश ये है कि इस बार हम
संपूर्ण ब्रिज की यात्रा को कैप्चर करके आपको दिखा पाएंगे एक ही व्लॉग के अंदर। तो भाई देखते हैं कैसे हो पाता है, क्या हो पाता है, और कुछ भी अगर छूटता है या नहीं हो पाता है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें आपको अपडेट करेंगे लिटरली लाइन टू लाइन, बैक टू बैक। और इसी के साथ भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। फिलहाल सोलो ही ट्रिप है अपना, तो सोलो जाएंगे, सारा एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। स्टोरीज़ पे मैं अपडेट करता रहूँगा, तो आप अगर इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो भाई जल्दी से फॉलो कर लो, कीपिंग योर लाइफ 05 आपके भाई की इंस्टा आईडी है। तो इंस्टाग्राम पे लेटेस्ट अपडेट सारी सबसे पहले वहीं पे आ रही है, स्टोरी रील्स की फॉर्म में वहीं पर आती है सबसे पहले। और क्योंकि अभी जन्माष्टमी आने वाली है, तो वृंदावन में क्या तैयारी चल रही है, ब्रिज में क्या तैयारी चल रही है, ये तो चेकआउट करना ही बनता है। तो इसलिए भी भाई ये वाला व्लॉग है। और इस बार ऐसी भी प्लानिंग है कि जन्माष्टमी पे ना मैं आपको सारा दिखा पाऊँ, डेफिनेटली जन्माष्टमी में मैं आपको दिखा पाऊँ कि एग्जैक्टली कैसा चल रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है, कैसा हो रहा है, सारी चीज़ें भाई। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिप होने वाला है अपना ये। और एग्जैक्टली ना देखो, हर महीने हम लोग ब्रिज का यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिज भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर हर महीने जाना ही चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण का सारा का सारी लीलाएं वहीं पर हैं, और ब्रज भूमि में जाकर श्री राधा नाम के आश्रय के साथ अलग ही आनंद है भाई। और वो वहाँ पर जो जगहें हैं ना, रमन रेती भाई, मतलब इतना मज़ा आता है यार वहाँ पे जाके इवनिंग के टाइम में, मैं अभी तक ना भूल नहीं पाया। जो लास्ट विजिट हमने किया था ना, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और लिटरली अब मैं वो मज़ा इंडिया के हर बंदे को देना चाहता हूँ, तो उसके लिए व्लॉग बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। आपको क्या करना है, आपको बस व्लॉग वॉच करना है और कमेंट करना है, जय जय श्री राधे श्याम। तो जी फिलहाल के लिए ना मैं एक चीज़ और देख रहा था, जब भी मैं ट्रिप्स वगैरह करता हूँ ना, तो पहले थोड़ा बहुत देखो यार रिसर्च वगैरह, सर्च वगैरह ये सब करना पड़ता है कि क्या चल रहा है, क्या है वहाँ पर, और कुछ भी अगर हमसे रह ना जाए, कुछ भी ऐसे वहाँ के बारे में चीज़ें हैं, वो सारी की सारी मैं डिटेल खुद भी लूँ, आपको भी शेयर करूँ। तो अभी ना मैं यही इंटरनेट पर देख रहा था कि यार वहाँ पर कुछ ऐसा VIP दर्शन का या ऐसा कुछ है क्या, तो ऑनलाइन तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है। ऑल दो कुछ साइट्स हैं booking.com वगैरह, मतलब प्रमोशन तो डेफिनेटली नहीं है, बट वो ना कुछ ऐसा ऑफर कर रहे हैं। अब ऑफिशियल मंदिर की ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जैसा कि हमें काशी विश्वनाथ में देखने को मिलता है या फिर वैष्णो देवी जी में देखने को मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो बस यही है यार कि अभी जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। और इसी के साथ भाई आपको एक अपडेट और दे देता हूँ कि जैसे कि हर मंथ माता रानी का बुलावा, माता रानी से पूरी विनती करते हैं तो माता रानी का बुलावा आता है तो चले जाते हैं। अब भाई माता रानी का बुलावा है 1 सितंबर का, तो अभी फ़िलहाल ना अपना रोप वे वगैरह ये सब यहीं से पहले से बुक कर देंगे कि वहाँ पर जाके इशू ना आए, वहाँ पर जाके प्रॉब्लम ना आए। और इस बार ना मैं आपको वैष्णो देवी जी की यात्रा के अंदर मैं आपको इस बार दिखाने वाला हूँ गर्भ जून वाली अटका आरती। तो भाई गर्भ जून गुफा में जो अटका आरती शुरू हुई है वो, तो भाई वो दिखाने वाला हूँ, खुद भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा और यूट्यूब पे तो डेफिनेटली पहला ही होगा जब मेरा खुद का फर्स्ट है, तो मज़ा आने वाला भाई ज़बरदस्त। तो देखेंगे यार, मिलकर एक्सप्लोर करेंगे, और अगर कुछ भी मुझसे छूटता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट ट्रिप में हम उसको भी इन्वॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए भाई अर्ली मॉर्निंग अपने को निकलना है, पैकिंग वैकिंग कुछ भी नहीं हुआ है, अभी ये सारा व्लॉग एडिट करूँगा, टाइटल डालूंगा, थंबनेल डालूंगा, उसके बाद ये सारी पैकिंग शैकिंग सब कुछ करूँगा। और अभी देख रहे हो, ये देखो आपको अभी दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये देखो। तो भाई यही अपना अभी चल रहा था, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यार सर्च वगैरह करते हैं पहले, तो वही अभी चल रहा था, ऐसा कुछ मिला नहीं है मुझे। इन केस मुझे वहाँ पर कुछ मिलता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। तो जय श्री राधे, मिलते हैं कल नए दिन की शुरुआत के साथ नए व्लॉग में, टिल देन स्माइल।